बाऊ साहब को तो अब तक इस रासलीला के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चल गया ना नाना, सम्मान का तो ऐसी तैसी कर ही देंगे, आप पे भी बम गिरेगा ये निश्चित समझिए। कुछ काम सही समय पर किए जाए ना, तभी उनका मजा है। You are right. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, ये पूजा हमारे परिवार की है और हमने तुम्हें कभी अपने परिवार का सदस्य नहीं माना। तुम इस पूजा में नहीं बैठ सकती थी। Stop it, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? चुप रहो ऋषभ, मैंने कह दिया ना, काकुल इस पूजा में नहीं बैठेगी। लेकिन उतरा यहाँ आकर ये सब क्यों ना कहूँ, इसने मेरा दिल दुखाया है और अब हमारी खुशी को तहस नहस करने चली आई है। क्यों मम्मी जी, हम इस पूजा में क्यों नहीं बैठ सकते हैं? सम्मान हमारे पति है, बकायदा पूरी विधि के साथ हमारी शादी हुई है। इस पूजा में शामिल होने का हमारा पूरा हक है। अच्छा, आ गई हक की बात जबान पर, और सबके सामने बहस करके तुम क्यों तमाशा खड़ा कर रही हो? नहीं मम्मी जी, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हम इस पूजा में क्यों नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपके मन में यही था तो घर पर ही कह दिया होता। यहाँ क्यों मम्मी जी? आप प्लीज मम्मी जी से कहिए ना, उन्हें बोलिए ना कि ऐसा ना कहे। अगर हमसे नाराज है तो जो मन में आए हमें सुना, लेकिन हमें ऐसी सजा ना दे, प्लीज कहिए ना। आपने हमारा हाथ थामा, अग्नि के सामने साथ निभाने का वचन दिया है, आज हमारा साथ नहीं देंगे? आपकी वजह से तो सबसे रिश्ता बना है हमारा। मम्मी जी सही कह रही है, हम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो कभी हमें अपनी बहू माना ही नहीं है। मगर आपने तो हमें अपनी पत्नी माना है ना, प्लीज क्या हमारे लिए आप एक बार मम्मी जी से नहीं कह सकते कि काकुल आपकी पत्नी होने के नाते इस पूजा में बैठ सकते हैं? दादी कुछ तो बोलिए। उसको उसके हक की लड़ाई लड़ने दे, अब फिर मैं कब तक दुनिया में हूं? सम्मान कुछ बोलिए ना। सम्मान जी, वो आपसे कुछ कह रही है, जवाब दीजिए। तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? ये हमारा घरेलू मामला है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आंटी हम जानते हैं कि आप दीदी को पसंद नहीं करती, लेकिन इस तरह नेहा, तुम चुप रहो। सब चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा? उत्तरा ये क्या बात हुई, घर की बहू को ही तुम पूजा में बैठने नहीं दोगे, क्यों? ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है मां। आप चाहे या ना चाहे काबुल सम्मान की पत्नी है और आप उसे इस पूजा में बैठने से नहीं रोक सकती। अरे तुम सब तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अकेली इस लड़की की दुश्मन हूँ, जबकि सारी मुसीबत का कारण ये है, जब से ये हमारे घर में आई है सब कुछ बर्बाद हो गया है और आज एक नई जिंदगी की शुरुआत मैं इसकी मौजूदगी में नहीं होने दूंगी, छाया भी नहीं पड़ने दूंगी इसकी। मैं भूल रही है तो उत्तरा, ये नई जिंदगी, ये नया खुद का बिजनेस काकुल के घर में आने के बाद ही आया है। छाया नहीं पड़ने दूंगी। अरे इसके शुभ कदम घर में पड़े हैं तब से ये सब पॉसिबल हुआ है। हाँ अम्मा, मेरी हर बात काटने की कसम खा रखी है आपने, लेकिन प्लीज इस समय आप कुछ मत बोलिए। और तुम
कब तक सुनती रहोगे? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, जाओ यहाँ से। देखिए, आप अपनी बात आपस में बात करके सुलझा लीजिए। 10-15 मिनट में हवन आरंभ होने वाला है। सामने शगुन आप शगुन की बात करती हो और पूजा में विघ्न खुद डाल रही। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन वो लड़की अगर मैं भी इस शादी से खुश नहीं हूं। मैंने भी उसे बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन क्या करें, है तो वो हमारे घर की बहू ही। तो ठीक है, करवाइए अपने बहू से पूजा, मैं घर जा रही हूं। उतरा तुम अगर काकुल इस पूजा में बैठी ना, तो मैं एक मिनट यहां नहीं रुकूंगी। सोच लीजिए क्या मंजूर है आपको। हाँ, क्या हो रहा है माँ? दिस गर्ल इज टू मच यार। माँ ने उसे पूजा में बैठने से मना किया था, लेकिन वो अभी तक यहीं खड़ी है। इतनी इंसल्ट और ह्यूमिलेशन सुनने के बाद भी मैडम घर नहीं गई है। शी इज सो स्टबर्न आई टेल यू। या और उसकी हिम्मत तो देखो, माँ से सवाल कर रही है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। देख लो, वैसे यू नो गलती तुम्हारी और आंटी की है। अरे जरूरत क्या थी उसे ऑफिस लेकर जाने की? घर पर नहीं छोड़ सकते थे? दादी है ना, साथ ले आई उसे। अब उनसे बहस करके दिमाग कौन खराब करेगा। वैसे देविका, इस काकुल की पर्सनालिटी के बारे में मैंने जो कुछ सोचा था ना, सब सही निकल रहा है। ये लड़की ना अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और पता है, अगर तुम लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो ये कुछ भी करेगी। और दादागिरी तो इसके खून में ही है। अरे दादागिरी चलती होगी उसके घर पर, हम पर तो कोई असर नहीं होने वाला उसका। और तो और, सम्मान ने उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, चुपचाप हाथ बांधे खड़ा रहा। गुड, अब शायद इस लड़की को कुछ बात समझ आए। बट बी केयरफुल देविका, अगर आज इस लड़की ने अपनी जिद मनवा ली ना, तो जिंदगी भर अपनी बात मनवाती रहेगी। किसी भी हालत में इसे पूजा में मत बैठने देना। डू यू हियर मी? यू डोंट वरी वंशिका, एक बार जो माँ ने कह दिया ना, वो होकर रहेगा। फोन उठा लिया, इसका मतलब हवन शुरू नहीं हुआ अब तक। जी। अरे पिताजी ने फोन हाथ से ले लिया, तुझसे बात ही नहीं कर पाई मैं। हवन के लिए विश करना था तुझे। थैंक्स दीदिया। अच्छा और सुन, अच्छे से तैयार होना, बढ़िया सी साड़ी पहनना, छल्ली की तरह मत चली जाना। उस घर में तेरी पहली पूजा है, नए जोड़े का हवन में बैठना बहुत शुभ माना जाता है, सौभाग्य की बात होती है, समझी? दीदिया, आप तो हमें बिल्कुल ही बुड़बक समझती। आपके कहने से पहले ही हमने अपनी सबसे अच्छी वाली साड़ी पहन ली है। दीदी, अब हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, वो सब हमारा वेट कर रहे हैं ना, पूजा में बैठना है। सॉरी सॉरी, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। बाय बाय। Thank you.
ये पूजा हमारे परिवार की है और हमने तुम्हें कभी अपने परिवार का सदस्य नहीं माना। कितने दिनों के बाद तो खुशी का मौका आया, उससे भी नहीं छोड़ा इस लड़की ने और अब तक यही जमी बैठी है। कोई और लड़की इसकी जगह होती ना तो कब की चली गई होती। कितनी ढीठ लड़की है। अरे जाने दीजिए माँ, इतना रो रही है काकुल, आज के दिन किसी को क्या उदास करना। कितनी खुश थी वो सुबह से। पापा प्लीज, क्या तंग आ चुका हूं मैं तो, जिसे देखो अपनी मनमानी कर रहा है। इससे तो बेहतर होता कि हम पूजा रखते ही ना। आप तो बड़े हैं बाबा, अगर बैठ जाएगी काकुल पूजा में तो आप लोग छोटे तो नहीं हो जाएंगे। अपने घर का फंक्शन समझकर आई है वो, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो पूजा में बैठ जाएगी। क्या फर्क पड़ जाएगा, मुझे फर्क पड़ेगा। माँ प्लीज। ऋषभ, तू उस कल की आई हुई लड़की, उस पराई लड़की के लिए अपनी माँ को झुकाना चाहता है। माँ ये बात नहीं है, फिजूल की बहस मत कीजिए यार। काकुल किसी की बेटी है, हमारे घर अपना सब कुछ छोड़ कर आई है और हम लोग उसे इस तरह से तंग करेंगे। हमारी अपनी बेटियां नहीं है, वो अगर किसी और के घर जाएंगे उनके साथ इस तरह कोई व्यवहार करेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे वो। हम अपनी बेटियों को ऐसे किसी के गले में नहीं बांधेंगे और मेरी कोई भी बेटी इतनी बेशरम नहीं है। ठीक है, अगर आप यूं किसी को बेइज्जत करेंगे पूजा के दिन और इस तरह पापा के नए बिजनेस की शुरुआत होनी है तो आप लोग कीजिए पूजा, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। कैसी बात कर रहा है ऋषभ, इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है तू, और फिर मैं ये नहीं भूल सकता कि ये फाइनेंस तूने ही अरेंज करके दिया है। तेरी मदद से ही हमारा बिजनेस शुरू हुआ है बेटा। मेरी मदद आपको नजर आ रही है, लेकिन मैं आपका बेटा हूं पापा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका साथ दूं। काकुल का क्या है, दो दिन हुए नहीं है उसे इस घर में आए और वैसे भी आप लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो हम लोगों के लिए पूजा करती है, मन्नत मांगती है, व्रत रखती है हम लोगों की खुशी के लिए। ठीक है, वो उस लड़की से आपको कुछ नहीं चाहिए, मत लीजिए आप, लेकिन इतना सोचती है हमारे बारे में ये नजर नहीं आता आप लोगों को। This is just not done. इस तरह से आप आदमी के पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप दिल से नहीं बैठने देना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तहत, एक तमीज के तहत आपको उसे बैठने देना चाहिए। उतना ठीक ही तो कह रहा है ऋषभ, अब आज के दिन किसी की बद्दुआएं लेने से क्या फायदा, कर लेने दो उसे भी पूजा, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन आप ही, मैं जानता हूं मेरी वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, मैं गुनाहगार हूँ आप लोगों का, बट आप लोग प्लीज नाराज मत होइए, मैं घर चला जाता हूँ। काकुल को भी साथ लेकर मैं घर चला जाता हूँ, आप सब लोग शांति से हवन कीजिए। बस बहुत हो गया सम्मान, वैसे भी मुहूर्त निकल जाने के बाद सारा शुभ अशुभ ही होने वाला है। उत्तरा प्लीज अपनी ये जिद छोड़ दो, हम सब मिलकर शांति से हवन पर बैठेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है।
निधिपति गुं गवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं गवामहे व्यसो मम आह मजा निगर्वदम्मा त्वमजाशी गर्वदम्मा गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्राटेभ्यो प्राटपतिभ्यश्च वो नमो नमो ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा नमस्तु ते ॐ गं गणपतये नमो नमः स्वाहा ॐ गं गणपतये नमो नमः स्वाहा ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशिर्वाः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तारचो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। काकुली सिटिंग इन द पूजा। मैंने मना किया था सम्मान को। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। बस बहुत हो गया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। हवन कार्य संपन्न हुआ। ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। हमें माफ कीजिएगा भगवान, आज के दिन रोकर हमने शुभ काम में बाधा डाली। मगर हम क्या करते, कैसे चुप रहे थे? अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना गलत तो नहीं? अब हम सपने में सच्चे मन से आपकी आराधना की है। अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आपका हाथ हमारे सर पर हो तो हमारे घर को किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती। जी ही नहीं सकते, फिर आप हमारी जिंदगी में क्यों आए? ये क्या कर दिया मैंने? एक लम्हे की खुशी की चाहत में मैंने तीन तीन जिंदगियां दांव पर लगा दी, सिवाय दुख के ना मुझे कुछ हासिल हो ना बच्चे का। और I'm so sorry काकुल। अपनी बेटी की चिंता करने के लिए और उसके जीवन में फैसले लेने के लिए, अभी उसका बाप जिंदा है।